नमस्ते, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। दिल्ली के कुख्यात बदमाश और 2 लाख के इनामी शक्ति नायडू को मेरठ पुलिस ने 18 फरवरी मंगलवार को कंकरखेरा की वैष्णो धाम कॉलोनी में मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान सीओ दोराला को भी गोली लगी। एक गोली एसएसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। कपड़े का कारोबार करते करते डॉन बना शक्ति नायडू 6 साल पहले लाजपत नगर दिल्ली में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से 8 करोड़ की लूट करके चर्चा में आया था। राज कुंद्रा से लूट के मामले में नायडू पर मकोका लगा था। वह 6 साल जेल में भी रहा, लेकिन उसने खुद को नहीं बदला। उसके पेरोल पर बाहर आने के बाद अपराधियों ने दिल्ली में जश्न मनाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में नायडू ने सिपाही रण सिंह मीना की 32 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। नायडू कहता था कि उसको फिल्मी दुनिया में जाना है। तिहाड़ जेल में रहते हुए नायडू ने अपना बड़ा गैंग तैयार कर लिया था। नायडू का दिल्ली सहित पंजाब और राजस्थान में आतंक था। दिल्ली में कई गैंगवार में भी नायडू की भूमिका रही। वह सुपारी लेकर हत्या करने लगा था। करीब 8 महीने वह जेल से बाहर रहा, जिसमें उसने कई वारदात को अंजाम दिया। सुपारी लेकर हत्या करने में नायडू का नाम सबसे ऊपर माना जाने लगा। अब उसके निशाने पर पश्चिम यूपी था, जहां वह अपनी धाक जमाना चाहता था। इसके लिए उसने योजना बनानी शुरू कर दी थी। मेरठ की वैष्णो धाम स्थित आर्क सिटी में 3 मंजिला मकान पर शक्ति नायडू ने कब्जा कर लिया था। वारदात करता और वह वहां जाकर छिप जाता था। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालता रहता था। 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित था। हर बार वो पुलिस को चकमा दे देता था। वह कहता था कि पुलिस के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो नायडू को छू सके, लेकिन एनकाउंटर में मेरठ पुलिस की गोली से उसकी मौत लिखी गई। दिल्ली का शक्ति नायडू एक शातिर अपराधी था। घटना के वक्त वह हत्या करने से पीछे नहीं हटता था, चाहे उसको अपने गैंग का बदमाश ही क्यों न मारना पड़े। 31 जनवरी को नायडू अपने 2 साथियों तिलकराज और हनी के साथ मेरठ में प्रॉपर्टी डीलर ऋतुराज चौधरी के यहाँ आया था। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम यूपी में खौफ का पर्याय बन चुका कुख्यात शक्ति नायडू दिल्ली स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी व मेरठ में एक इंस्पेक्टर की हत्या करने की साजिश रच रहा था। पहले इंस्पेक्टर और फिर अगले दिन दिल्ली के एसीपी ललित मोहन नेगी की हत्या का नायडू ने कंकरखेड़ा में बैठकर प्लान बनाया। दिल्ली स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी को 1 फरवरी को मेरठ में एक शादी समारोह में आना था। वहीं पर एसीपी की हत्या के लिए नायडू ने पूरी प्लानिंग की थी। साथी तिलकराज और उसके भतीजे हनी ने हत्या करने से इनकार कर दिया, जिस पर नायडू ने चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें हनी की मौत हुई और तिलकराज घायल हो गया। उसको 5 गोलियां लगी थी। शक्ति नायडू मर्डर करवाना चाह रहा था मुझसे। अच्छा। उसके साथ मिलकर ऋतुराज और अमित रवि बोरा, तो हमने मना कर दिया। उससे जो बहस हो गई, हम वापस जाने लगे तो हमें लगा कि हम पुलिस वुलिस को बता देंगे। इसी तरह वो पहले भी दिल्ली में अपने एक साथी की हत्या कर चुका था। कुख्यात शक्ति नायडू के साथी तिलकराज ने पुलिस को बताया था कि वह दोनों हाथों से गोलियां चलाता है। वो वांटेड अपराधियों को गैंग में शामिल करता था। नायडू गैंग में शामिल करते ही बदमाशों को मोटा पैसा देता था। नायडू का पुलिस ने इतिहास खंगाला तो उसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत मिले। सोमवार 17 फरवरी को आधी रात सरदना में विशाल चौधरी नाम के व्यक्ति से बदमाशों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी लूट ली थी। मंगलवार शाम करीब 4 बजे मुखबिर ने सीओ दोराला जितेंद्र सरगम को सूचना दी कि लूटी हुई फॉर्च्यूनर वैष्णोधाम कॉलोनी के एक मकान के बाहर खड़ी है। सूचना पर शाम के करीब 5 बजे पुलिस वैष्णोधाम स्थित आर्क सिटी में पहुंची। सीओ दोराला और कंकड़खेड़ा इंस्पेक्टर की टीम ने इस मकान की घेराबंदी कर ली। मकान में नायडू और उसका साथी रवि उर्फ भूरा छिपे थे। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, तभी नायडू ने दोनों हाथों से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। एसएसपी से लेकर एडीजी तक मौके पर पहुंच गए थे। हालात यह थे कि कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस और नायडू के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाया कि दूर रहें, यहां बदमाश छिपे हैं। उसने पुलिस पर करीब 1 घंटा गोलियां बरसाईं।
पुलिस की 3 गोलियां लगने के बाद भी वह रुका नहीं। नायडू ने गोलियां चलानी बंद नहीं की। एसएसपी और सीओ को गोली लगने के बाद पुलिस मकान के अंदर घुस गई, जहां पर खून से लथपथ नायडू पड़ा हुआ था, जबकि उसका साथी वहां से भाग चुका था। घायल शक्ति नायडू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शक्ति नायडू एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया। उस पर मेरठ जोन और दिल्ली से 1-1 लाख का इनाम था। जो मुठभेड़ हुई है, क्या क्या जानकारी है? मुठभेड़ में जैसा कि पूरा घटनाक्रम आप लोग को पता है, जो अपराधी था उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में लाया गया था और उसमें शादी उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अब ये सूचना आई है कि जो सुशील नायडू क्रिमिनल है उसकी मृत्यु हो गई है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। सर, ये जो शक्ति नायडू था कितने रुपये का इनाम था? 1 लाख रुपये का इनाम इस पर उत्तर प्रदेश से था, बाकी कई राज्यों में इस पर मुकदमे हैं, वहाँ भी हम लोग पता कर रहे हैं कि बाकी कहाँ से इस पर इनाम था, अगर था तो कितने का। सीओ साहब का भी उपचार चल रहा है।